भाई साहब आधा शूट अभी हो गया है और ये भाई इनका इनोवेशन जो है ना, इनका नाम है नवश्री, ये ना 11th क्लास में और इसने ये इनोवेट किया है जिसमें कि सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। दिस वीडियो गोना बी द बिहाइंड द सीन ऑफ अ शॉर्ट फिल्म विच वी आर मेकिंग। एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो करके, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है भाई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ठीक है, नहीं भाई मुझे पता था ये फंस गया सी है। जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहा था वीडियो मेकिंग, सो उसके लिए हम एक शॉर्ट फिल्म बनाने आए हुए हैं, मैं और आशुतोष। हेलो गाइस। सो ये हैं आशुतोष, आशुतोष और मैं, हम ग्राउंड लेवल पर वीडियो बनाने आए हुए हैं। हमारे अलावा दो टीममेट्स और हैं, हमारे चार लोगों की हमारी टीम है। सो इस व्लॉग में आपको यही BTS देखने को मिलेगा कि हम कैसे क्या शॉर्ट फिल्म शूट करने वाले हैं। सो हम अपनी वीडियो में जिस लड़की को कवर करने वाले ना, उसके विलेज में आ गए और ये काफ़ी अच्छा सा डैम है। तो अभी चलते हैं उसके घर पे हम, क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और धूप और लग रही, तो चलते हैं जल्दी से उसके घर। A few moments later. So guys, अभी हम लोग शूट लोकेशन पे तो अपनी पहुंच गए हैं और एकदम से मैंने व्लॉग करना स्टार्ट नहीं किया, मैं ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था उनको। सो थोड़ा बहुत डिस्कस किया, देन हमने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया उनको अपना कि हैं कौन। देन उसके बाद अभी हम लोग जो है अपनी एग्जैक्ट शूट लोकेशन जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। परमिशन तो मिल गई कहीं पर भी शूट करने की। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा घर टाइप पर दिख जाए, विलेज लुक दिख जाए, यहाँ कहीं कर सकते हैं। देख लो ये मकान भी अपना है, ये अच्छा बीचा है, पीछे देख के आ जाना, पीछे चले जाना। नहीं यार ये उतना मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर और सोच में दो तीन लोकेशन सामने देख ले रहे हैं एक बार। सामने देख, अंदर तो लाइट की दिक्कत रहेगी, लाइट नहीं है अपने पास। थैंक यू, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी अपन एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह शूट करते हैं। जैसे एक मेरे को जो सही लग रहा है वो यहाँ का सही लग रहा है, ठीक है। अपन यहाँ पे लगाएंगे कैमरा, पीछे का इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ ले ले रहे हैं शॉट, एक मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं का हट का व्यू आ जाए, तो यहाँ कहीं बैठ के आएगा, उस दीवार के यहाँ कहीं बैठ के ऐसा कहीं आ जाए। सो गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे कहाँ पे शूट करें, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी वीडियो को शूट कर रहा था। अभी तक मैं जो भी वीडियोज़ बनाता था वो घर के अंदर व्लॉग करता था, सो वो काफ़ी कैंडिड मोमेंट्स होते थे, बट यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे प्रॉपर शॉट्स लेने थे। सो काफ़ी एकदम से मतलब मैं शॉक हो गया था कि करूँ क्या। सो हमने दो तीन लोकेशन आइडेंटिफाई की, पहले सोचा हमने मल्टीपल शॉट्स ले लेंगे, बट फिर बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक ही जगह शॉट लेंगे, जो सबसे पहली वाली लोकेशन थी ना वहीं का हम लोग अंदर जाके थोड़ा सा वहां पे शॉट लेने वाले हैं। लाइट आइट की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं थी जो कि हमें पहले लग रहा था। One eternity later. सर वो दिखा देना, हम वीडियो में आगे ना देखें जल रही है सर, अगला तरफ से दिखा देना। अरे भाई कमेंट्री भी करते जाना बिल्कुल पीछे। क्या कमेंट्री करो, ये देखो हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, तैयारी कर रहे हैं शूट की। अबे यहाँ बेस्ट लोकेशन आ रही है भाई, ये जगह है, ये नवश्री का घर है, यहाँ पर उसने रहके इनोवेशन कर दिया। सो गाइस दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे हम अपना शूट करने वाले हैं। सो इनका ये बेसिकली किचन था, सो हमें ये परफेक्ट लोकेशन लगी थी कि शूट कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? अमोल। अमोल तुम्हारा? हाँ चंद्र सिंह। चंद्र सिंह तुम नवश्री के भाई हो जी, छोटे वाले? और तुम? मैं भाई। तुम भी भाई हो, तुम उससे बड़े हो जी। ठीक, रुकना एक मिनट। सो गाइस जो मल्टीपल लोकेशन वाला आइडिया था वो हमने ड्रॉप कर दिया था और सिर्फ एक ही लोकेशन चूज़ कर ली थी, क्योंकि वो फिर हमारे लिए भी हेक्टिक हो जाता और वो जो लड़की थी उसके लिए भी हेक्टिक हो जाता, क्योंकि हमें भी नहीं पता था वो इतना कैमरे से फैमिलियर है कि नहीं। सो एक ही जगह पे शूट कर रहे हैं अभी हम लोग, एंड हमने काफ़ी सारे शॉट्स लिए थे। ऑल्सो सी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जो लड़की थी, कि एक टेक में उसने सारा कुछ बोल दिया था, बट फिर भी हमने दो तीन टेक ले लिए थे, सो दैट एडिटिंग वगैरह में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हों।
सो बेसिकली हम अपना शूट जो है दो पार्ट में करने वाले हैं। पहला तो वो सारे शॉट्स ले लेंगे हम कि मशीन वर्क कैसे करती है, एंड देन उसके बाद सेकंड पार्ट में हम सिर्फ जो लड़की है उसका शॉट लेंगे जिसमें कि वो एक्सप्लेन कर रही होगी कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। देन उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो मशीन के शॉट्स लिए होंगे ना, वो इनको सिंपली सेकंड पार्ट वाली वीडियोज़ पे पेस्ट कर देंगे। सो वो बोलते रहेगी और तभी विजुअल्स आ जाएंगे कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा। तो अभी पहले पार्ट की रिकॉर्डिंग चल रही है। कंटेंट मिस मत करो यार आज भी दोस्तों, आज के हमारे ब्लॉगर दो बज के डायरेक्टर साहब थक गए हमारे। अभी कैसे बैठा हूं डायरेक्शन करते करते, अब रास्ता देख रहा इधर आ रहा है। आंटी हम क्या बताएं, ये आशुतोष ने लेट कर दिया, ये भैया बाहर से आए थे ना। हमारी एक घंटा हमारा, हमारी ट्रेन बहुत अच्छी थी, हमारी ट्रेन जो चलती कम थी रुकती ज्यादा थी, इसलिए बड़ा लाल घुसा लंबा है उसका। एंड यार जेन्यूनली सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिंग थे, जैसा जैसा मैं बोल रहा था सारे लोग कर रहे थे। सो काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़, अदरवाइज़ किसको टाइम यार ऐसी भागती ज़िंदगी में कि हमारे लिए टाइम निकाले, बट काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू नवश्री एंड हर फैमिली। रिपीट वंस अगेन, एड बनाने में कितनी दिक्कत आती है अब पता चला भाई। वही ना, एड बनाने में बहुत दिक्कत आती, 15-20 सेकंड की एड में ना। रुक जा भाई, रुक जा भाई, टेक टू भाई, बहुत टाइम लगता है। नहीं इसे कंटिन्यू ब्लॉग तो भाई क्या, कैमरा और ऐप शुरू करती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई उसमें। 15-20 सेकंड की एड बनाने में भाई जो एफर्ट्स लगते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा लगते हैं कि पहले ऊपर से देखाओ फिर नीचे से दिखाओ कि हाँ निकला हुआ है। भाई साहब आधा शूट अभी हो गया है, और ये भाई इनका इनोवेशन जो है ना, इनका नाम है नवश्री, ये 11th क्लास में, और इसने ये इनोवेट किया है जिसमें कि ये चॉपिंग बोर्ड की तरह भी काम करता है। काफ़ी चीज़ें इसमें, 2-3-4 फीचर हैं। सो वो काट सकते हैं सब्जी, रोटी बना सकते हैं। नवश्री हाय बोलो। हाय। हमें ना यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, यूट्यूब जानती हो क्या होता है, उस पर करते हैं भाई। आधा सूट हो गया, कंप्लीट करते हैं पहले। तुम पहले अपना काम करो, ये हम करो, हम सब आज के ब्लॉगर हम हैं। A few moments later. भाई साहब जो चॉपिंग बोर्ड है ना, मतलब जो मशीन है, उसके हमने सिनेमेटिक शॉट्स ले लिए हैं। अब हम नवश्री का इंटरव्यू काइंड ऑफ लेने वाले हैं, देन उसके बाद वो जो वरवली बताएगी, और जो सिनेमेटिक शॉट्स हमने ले लिए हैं वो जब वरवली बोलेगी तो उसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे, सो दैट एक स्टोरी लाइन टाइप की लगेगी। जैसे ही वो बोलेगी तुरंत एक सिनेमेटिक शॉट्स आ जाएंगे उसके। यहाँ लगा दिया भाई हमने कैमरा, और सामने बैठा के वहाँ से शॉट लेने वाले हैं नवश्री के इंटरव्यू का। भाई हमने ये फ्रेम सेट किया है, बहुत मस्त लग रहा है। और ये फ्रेम, मेरा नाम नवश्री ठाकुर है। सो गाइस सेकंड पार्ट का शूट हमने इस तरीके से कुछ किया था जिसमें कि नवश्री को हमने वजह सामने बिठा दिया था, एंड सी वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट हर प्रोडक्ट। सो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिंपल था, और एक टेक में उसने दे भी दिया था। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस। देन उसके बाद हमने टेक टू भी ले लिया था, सो दैट हम एडिटिंग के टाइम पे सफिशियंट क्लिप्स हों, जैसा मैंने बताया। भाई साहब शूट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया और काफ़ी अच्छा था, बस एक ओपनिंग शॉट जो है ना वो रह गया था, वो हमें यहाँ चारा काटते हुए थोड़ा सा दिखाना था, अभी आ गए हम ये नवश्री की मम्मी जी। एंड देन जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड करने में टाइम भी नहीं लगा। सो ऑलमोस्ट हमारा पूरा शूट जो है लगभग 5-6 घंटे में पूरा हो गया था, ऑलमोस्ट पूरा ही। सो शूट करने के बाद हम लोगों ने चाय पी, देन उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की, और नवश्री को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया कि फ्यूचर में कभी हेल्प लगे तो हमें बता दें। एंड सो काफ़ी अच्छा लगा था ये शूट में, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला था इवन मुझे तो, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस। एंड अब जब भी फ्यूचर में कभी मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूशन करूँगा मैं, क्योंकि इस शूट से मैं काफ़ी कुछ सीखा था। भाई साहब डन विद द शूट, अभी निकल रहे हैं, और आगे का प्लान क्या है तो हम चल के बताते हैं आपको। कोई प्लान नहीं है। आगे का प्लान है भाई, कहाँ चलना है बताओ फिर। अब यहाँ से काफ़ी पास है एक जगह, काफ़ी भाई साहब हमारी डॉक्यूमेंट्री ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गई एडिट होने के साथ साथ, तो अभी दिखा रहा था फर्स्ट टाइम कैसी लग रही है। देखो
स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। ओए ओए पूरा मत दिखा, रिलीज करेंगे अपन डॉक्यूमेंट। हाँ पूरा तो नहीं दिखाएंगे, बट इसका रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है यार भाई साहब। नहीं नहीं टेक टू भाई, बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही है बिल्कुल। सो गाइस अब आती है वीडियो एडिटिंग की स्टेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती किसी भी वीडियो को बनाने में, क्योंकि आपके पास कितने शॉट्स हैं वो चीज़ मैटर नहीं करती, बट जितने शॉट्स हैं उनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है एडिटर, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी अच्छी होगी। बंद कर, तू बोल रहा है नहीं नहीं चालू। भाई साहब आज लास्ट डे हमारे पूरे स्ट्रगल का, और जितने भी एफर्ट्स वेस्ट ना हो हमारे, क्योंकि आज लास्ट डे और सबमिट कर रहे हैं। ये भाई साहब हमारा सबमिशन हो गया वीडियो का फाइनली, और एंट्री चली गई है, पता नहीं रिजल्ट कब आएंगे भाई, बड़ा लंबा काम है यार ये तो। नहीं नहीं रुक जाओ। चलो गाइस फाइनली अभी हमने सबमिशन तो कर दिया, बाकी मिलते हैं रिजल्ट के टाइम पे आपको, बाकी बिहारी पर देखेंगे कि क्या होता है। पूरा बीटीएस जो है ना बड़ा लंबा चल रहा है, बहुत दिन हो गए इसको बनते बनते।